हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभा आपको स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल शोभा प्लेज लाइव पर। आइए आपको कराती हूँ अपनी छोटू सा होम का टूर। ये है मेरे घर के अंदर जाने वाला दरवाज़ा, आइए दिखाती हूँ और मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं शहर से दूर एक छोटी सी गांव में रहती हूँ और खुशहाल टाइम बिताती हूँ अपने परिवार के साथ। फ्रेंड देखिए, ये है मेरा घर, ऊपर में छत नहीं है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको गांव के जीवन शैली के बारे में अपने चैनल में बताना चाहती हूँ। किस तरह से गांव की जीवन शैली बिताते हैं, क्या खाते हैं, कौन से त्यौहार मनाते हैं, ये सब मैं आपके साथ ही शेयर करूंगी और अपने परिवार के साथ अपना डेली रूटीन भी आपके साथ शेयर करूंगी। मैं यूट्यूब पर इसलिए आना चाहती हूं कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूं। मैं वैसे तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं और सिलाई के अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं है। हस्बैंड का एक एक्सीडेंट में कमर में दर्द रहता है और वो बाहर काम करने नहीं जाती, तो सारी जिम्मेदारी मेरी ही ऊपर है और मैं सिलाई करके अपना परिवार चलाती हूँ। पर गांव में अब हर लड़कियाँ हर बहू सिलाई जानते हैं, इसलिए सिलाई का काम भी नहीं चलता और जो काम मिलता है उसमें परिवार चलाना भी बहुत मुश्किल हो रही है। मुश्किल तो जीवन में बहुत सारे हैं, पर मैंने कभी हार नहीं मानी और ना ही उम्मीद छोड़ी है। तभी मैंने देखा YouTube पर कितनों ने अपना ब्लॉगिंग वीडियो चालू करके अपना खुद का एक पहचान बनाया है। देखिए, ये एक मेरे नानी है जो अंदर से बरामदे में आ रही हैं और ये घर से सबसे अंदर जाने का रास्ता है। ये है मेरा एक छोटा सा किचन जिसमें लाइट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है। मेरे परिवार में मेरे साथ मेरे हस्बैंड, मेरी माँ और मेरा एक छोटा सा 7 साल का बेटा है जो हम साथ रहते हैं। ये है मेरी सिगड़ी का चूल्हा और लकड़ी का चूल्हा, यहाँ मैं पानी रखती हूँ और इस तरफ गैस है और इधर देखिए यहाँ मैं ऊपर अपना बर्तन रखती हूँ। ये मिट्टी का किचन रूम है और यहाँ पानी रखती हूँ। देखिए, ये छोटा सा एक बरामदा है जहाँ पर मेरे हस्बैंड अपना बाइक रखते हैं। मैं पहले सिलाई का चैनल खोलना चाहता था, पर सिलाई का भी तो कितना सारा चैनल है और सिलाई वही लोग देखेंगे जो सिलाई करते हैं, इसलिए यही फैसला किया कि मैंने ब्लॉगिंग वीडियो चालू करना है। पर सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे यही लगा कि मैं क्या दिखाऊँ, ना ही मेरे पास खूबसूरत घर है ना ही खूबसूरत जगह है जो मैं व्यूअर्स के सामने शेयर करूँगी। एक मोटिवेशनल वीडियो देख कर मैंने अपना इरादा पक्का कर लिया, चाहे जैसा मेरा घर हो, जैसा भी मेरा किचन हो, जैसा भी बेडरूम हो, जो भी हम खाएं, सारी रियल ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यही सोचकर मैंने अपना इरादा पक्का कर लिया और अपना ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मेरे बेडरूम कैसा लगा आप मुझे बताना दोस्तों, आइए दिखाती हूँ मैं अपना छोटा सा मंदिर। ये देखिए, यहाँ पर मैं अपने राधा कृष्ण की पूजा करती हूँ और ये एक सब्जी स्टैंड है जो अभी तो खाली ही है। जब भी किसी के साथ बुरा होता है या मुश्किल आता है तो बस चारों तरफ से मुश्किलों ही आती हैं, ऐसे मेरे साथ भी हुआ है। जब भी मैंने कुछ करना चाहा, आगे बढ़ना चाहा, तो नाकामयाबी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। 3 बार मैंने लोन लेकर
अपना दुकान स्टार्ट किया, पर तीनों ही बार मैंने फेलियर हो गया। ना ही मैं आगे बढ़ पाया और ना ही अपना परिवार के लिए कुछ कर पाया। और अब इरादा पक्का करके वीडियो तो बनाना चालू कर दिया, पर लोगों के तानों ने मुझे नहीं छोड़ी। ऐसे वीडियो बनाएगी, अपनी परिवार की नाक कटाएगी, पता नहीं क्या क्या ताने सुनने पड़ रही है। फिर भी मैंने अपना इरादा पक्का कर लिया है और ये बनाना शुरू कर दिया है। चाहे जो हो जाए, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। मैं तो अपना वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर लिया दोस्तों, पर अब मुझे आपकी साथ, प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, जो मुझे आगे बढ़ाएगी। बस आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। आपकी साथ और सपोर्ट पाकर मैं अपने बिखरा हुआ परिवार को संवार सकूं, उनके लिए कुछ कर सकूं, यही आपसे निवेदन है। और देखिए, ये मेरा बाहर आने के बगीचा के तरफ आने का रास्ता है। देखिए, बारिश के कारण यहाँ कितने सारे पेड़ पौधे उग गए हैं और खूबसूरत दिख रही है। मेरा ये छोटा सा घर आपको कैसा लगा कमेंट करना, और मेरी मदर लैंग्वेज तो संबलपुरी है, बोलने में अगर कोई गड़बड़ हुई हो या कहीं पे अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये देखिए, ये हमारा एक लैट्रिन है जो टूटा फूटा सा पड़ा है। फिर से एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड, प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड।